भारतीयों को ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने एक नया तोहफा दिया है कि अब भारतीयों को ब्राजील जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ जी, हाल में ही भारत ब्राज़ील सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों और व्यापारियों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया था। लेकिन इस बार अच्छी खबर है भारतीयों के लिए, क्योंकि ब्राज़ील विकसित और विकासशील देशों के लिए वीज़ा पॉलिसी में चेंज लेके आया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ने चीनी और भारतीय पर्यटक या व्यवसायी लोगों के लिए अपनी वीज़ा पॉलिसी में आवश्यकता को कम किया है। बता दें कि बोल्सोनारो साल के शुरुआत में सत्ता में आए थे और उन्हें कई विकसित देशों से वीजा आवश्यकताओं को कम करने की नीति बनाई थी, लेकिन हाल में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान की गई घोषणा वह पहली है जिसमें उन्होंने विकासशील देशों के लिए भी उस नीति का विस्तार किया है। इस साल की शुरुआत में ब्राज़ील सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों और व्यापारियों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया था। हालांकि उन देशों ने ब्राज़ील के नागरिकों के लिए अपनी वीज़ा आवश्यकताओं को नहीं बदला है। लेकिन ये अच्छी खबर है भारतीयों के हिसाब से कि अगर आपको ब्राज़ील में कोई भी बिजनेस या टूरिज्म के लिए जाना है तो आपको किसी भी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता अब नहीं होगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए।